हाय, आज मैं बना रही हूँ टिक्की। ये मेरे पास बची हुई रोटियां थी कुछ, तो इसकी मैं टिक्की बनाऊंगी। इसको क्रश करना हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए क्रश कर दिया मैंने इसमें। इसमें मैंने इसमें क्रश कर दिया है ये आटा मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ये बचा था तो। और इसमें ये मैंने 4 आलू डाले और इसको इसके साथ क्रश कर देना, इसको मैश कर देना है आलू को इनके साथ। आप इसके पराठे भी बना सकते हैं आपको जैसे ठीक लगता है। और इसमें आप नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा तेज करेंगे तो टेस्ट आएगा, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा अनारदाना पाउडर, जस्ट थोड़ा थोड़ा सब डालना आपने। और ये मेरे पास धनिया का वो स्टेम्स पड़ी थी, ये डाल रही हूँ मैं। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे मैश करना। ये इसको इसके साथ सारा मिला देना। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और मटर भी डाल सकते हैं बॉईल करके, इस पर क्रश करके, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हो गया। इसके छोटी छोटी रोटियां भी बना सकते हैं आलू के साथ। ये जो मैंने आलू और प्याज डाल लें थोड़ा सा और रोटी बना लें, इसका बहुत कुछ बन सकता है। पर मैं इसकी कुछ टिक्की बनाऊंगी। पर मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी। ये हो गया, ये अच्छे से हो गया। ये आप इसको खा के देखें, ठीक है इसका नमक। ये पैन चढ़ा दे, इसमें ऑयल डाल दिया मैंने गरम होने के लिए।
साथ अदरक भी डाल देती हूँ मैं क्रश करके। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया, इसको मैं मिला रही हूँ। आपको एक दो बना के दिखा देती हूँ। ये ऐसे आपको बनाना है। ये देखिए, इसमें डाल दें। इसको भी ऐसे करके इसे टिक्की बना लें। टिक्की हो गया। टिक्की बन रही है। बहुत अच्छी लगती है टिक्की, इसके उस चटनी के साथ परोसे। तो ऐसा दबा लें क्योंकि अंदर का भी इसका अच्छे से हो जाए। आप इसको थोड़ा फ्लैट भी कर दें, मैंने थोड़ा सा मोटा रखा था बट आप फ्लैट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास टिक्की हो गई। ये क्रंची हो गया है। Thank you for watching.